गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, का तुम रात सुने रही? ये हैंडपंप वा खुदे चलत रहा। राती 12 बजे भला कौन पानी भरे आई? हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हम सुने रही। हमार रिंकिया के पापा तक कहत रही कि हम जाके देखा। हम उनके रोक लिहिस। कौन जाने का बला हुई। फिर उसी रात फिर से 12 बजते ही वह हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर, अरे मीना दीदी, चला हो हंद पंपवा पर पानी भरे के, हमें अकेले जाते डर लागत बा। फिर वे दोनों हैंडपंप पर जाती हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से दुगने साइज का होता है। ये देखा हो रानी, हम कहत रहे ना कुछ गड़बड़ जरूर बा। ये देखा भला किस इंसान के इतना बड़ पैर हुई। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? ये देखो बहन, इतना बड़का पैर, लागत है कौनो शैतान ई हंद पंपुआ पे आया रहा। कम ऑन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है। अरे आप शहर से आई रही पिंकी बहन, आप ये सब ना समझी। फिर रात होने पर हैंडपंप फिर खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास, मैं अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को। फिर जैसे ही पिंकी वहाँ पहुँचती है, वह दंग रह जाती है। वहाँ दो सिर की एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई, बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। दो दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सिर ही दर्द हो गया ये हैंडपंप चला चला के। कितने दिनों में एक शिकार आया है। पिंकी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। चुड़ैल जी, I'm so sorry। मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं तो पास के शहर में पढ़ती हूँ, इस गांव में घूमने आई हूँ। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन, देखा तो आज तो यहाँ खून भी पड़ा बा, कौनो अनहोनी हो गई लागत बा। तभी पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई, वो रात इस नल पर आई थी। ये खून कैसा पड़ा है, कहीं कहीं ये मेरी पिंकी का तो नहीं। अरे भौजाई, हम उसे कल ही कह रहे कि ज्यादा लेक्चर का झाड़ो, लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई गवा। थोड़ी देर में झाड़ियों में उन्हें पिंकी की सिर कटी लाश दिखती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल फिर से हैंडपंप पर आकर उसे चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूखी मर जाएंगी। हाँ पर करें क्या। रुक जा मेरे जुड़वा सिर, अभी तुझे किसी खोपड़ी का स्वाद चखवाती हूँ। फिर वह चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर चुड़ैल पिंकी की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है। मम्मी मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी।
मम्मी, पिंकी की आवाज सुन उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है। वह बाहर चुड़ैल को देख पिंकी की माँ कांपने लगती है। पिंकी, ये तुझे क्या हुआ? चुड़ैल की एक खोपड़ी अपनी लंबी जीभ से पिंकी की माँ को जकड़ लेती है। मैं कोई पिंकी विंकी नहीं। तेरी पिंकी तो कब की हजम भी हो गई होगी। अब तू मेरा खाना बनेगी मूर्ख औरत। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है। फिर सुबह होने पर पिंकी की माँ की सिरकटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सुनत हो जी, उस शहर वाली माँ बेटी के कोई मार के मुंडी गायब कर दिया रहा। लगता है कौनो भूत पिसाच ये सब कर रहा है। तुम बाहर ना जावा, तुमका कुछ हो गए तो हम का करब? अरे हमका कुछ ना होई। हम जात रहे वो हैंड पंपवा के आस पास सीसीटीवी कैमरा लगाई खातिर, हाँ, ताकि देख सके आखिर मामला का बा। फिर वह गांव की कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होने पर वह चुड़ैल वापस आती है। वह थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है पर कोई नहीं आता। वह गांव में पिंकी और उसकी माँ की आवाज निकाल कर सबको बुलाती है पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तरकीब सोचो, नहीं तो अगर हम दो दिन भूखी रही तो मर जाएंगी। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं भर रहे पर कुएं से तो भर रहे हैं। हम चलकर कुएं में बैठ जाती हैं। जैसे ही कोई आएगा तुम अपनी लंबी जीप से उसे अंदर खींच लेना, फिर हम उसे खा जाएंगी। हाँ सही कहती हो। फिर वह चुड़ैल कुएं में जाकर छिप जाती है। सुबह होने पर, अरे सुबह सुबह कहाँ जावत बा? रात तू शैतानी शक्ति सारे गांव में घूम रही। अरे तू डरा ना, हमार राजकुमारी, हमका कछु ना हुई। हाँ हम जाए रहे सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग ले खातिर। हाँ अच्छा जावत ही हो तो मटका में पानी भर लावा कुआं से। फिर रानी का पति मटका लेकर निकल जाता है। अरे पहले रिकॉर्डिंग निकाला कि कुएं पे जावा। चलो पहले कुएं पे चलते हैं, नहीं तो वहाँ भीड़ हो जाए। फिर वह कुएं पर जाता है। जैसे ही वह कुएं में अपना घड़ा डालता है चुड़ैल का सिर अपनी जीभ से लपेट कर उसे अंदर खींच लेता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और चुड़ैल उसकी खोपड़ी खा जाती है। कुछ देर में गांव वालों को उसकी सिर कटी लाश कुएं में दिखती है। इस बार और कोहराम मच जाता है। हम कहर, अरे हम इकरा के कही रही ना जावा सुबह सुबह, पर ये हमारी एक न सुनी। हम तो लुट गेली, बर्बाद हो गेली, हे राम। पर तुहार पति सुबह सुबह आया क्या करने रहा? फिर रानी ने बताया कि उसके पति ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे गांव में, जिससे यह पता चल सके कि आखिर मामला क्या है। फिर वे सब गांव वाले सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं, टीवी पर चलाते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। वे यह भी सुन लेते हैं कि अगर वे चुड़ैल दो दिन भूखी रही तो मर जाएंगी। गाँव वालों, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमें बस ये करना है कि हम तीन दिन तक अपने घरों में कैद रहें, नहीं तो ये दो मुंडी वाली चुड़ैल कई और लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं गांव में तीन दिन के लॉकडाउन का ऐलान करता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद वे चुड़ैल दो दिन तक गांव में आई अपना शिकार पकड़ने के लिए। उन्होंने कई तरकीबें लगाई पर कोई अपने घर से बाहर नहीं आया और वे दोनों चुड़ैल मर गईं।